प्यार मोहब्बत आशिकी ये बस अल्फाज थे, मगर जब तुम मिले तब इन अल्फाजों को मायने मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यार कब, कहाँ, किससे और कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, इसको पूरा सुनिए, आपको जरूर अच्छी लगेगी। अभिषेक अपनी बहन की शादी में जाने के लिए भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, भुवनेश्वर से बालेश्वर जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अभिषेक कहता है 8 बजे। वो लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती। अभिषेक काउंटर जाके पता करता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देरी से पहुंचेगी। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और उसे भी ये सब बताता है और पूछता है, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे बालेश्वर जाना है। अभिषेक बोला, मैं भी मेरी बहन की शादी के लिए घर जा रहा हूँ, मेरा घर बालेश्वर के अगले स्टेशन के पास है। दोनों ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा थी। अभिषेक ने देखा वो लड़की ठंड से खुद को सिकुड़ रही होती है। वो दो चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की बोली, जी थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। फिर अभिषेक बोलता है, मेरा नाम अभिषेक है, वैसे आपका क्या नाम है? लड़की बोली, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा, चलो हम वेटिंग हॉल में जाके बैठते हैं, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर दोनों हॉल में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अभिषेक की आंखें अंजलि को ही देख रही होती है। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होंठों और उसका मासूम सा चेहरा को देखकर अभिषेक के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उसने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के करीब 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। अभिषेक तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और दोनों जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अंजलि पूछती है, आप भुवनेश्वर में क्या करते हो? अभिषेक ने बताया, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हैं? अंजलि बोली, मैं अभी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछा, क्या आपकी शादी होगी? अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं। फिर अंजलि पूछती है, कोई गर्लफ्रेंड है? अभिषेक बोला, नहीं, वैसी कोई लड़की तो मुझे मिली ही नहीं। अंजलि बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। फिर अभिषेक बोला, बिल्कुल आपके जैसी। अंजलि हंसकर पूछी, मेरी जैसी ही क्यों? अभिषेक बोला, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। फिर अंजलि ने बोला, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब मैं आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढती हूँ, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कॉन्टैक्ट हो सके। अभिषेक तुरंत अपना नंबर अंजलि को देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है, लेकिन अभिषेक को नींद नहीं आती है। वो सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। वो सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह के 5:30 बज चुके थे। अंजलि कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक थोड़ा उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना छोड़कर जा रहा है। अभिषेक को अलविदा कहके अंजलि उतर जाती है। अभिषेक ट्रेन के खिड़की से अंजलि की तरफ देखता रहता है। अंजलि आखिरी बार पीछे मुड़ के देखती है और मुस्कुराती है। अब ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम अंजलि है और ये इसका फोन नंबर है। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया। अंजलि बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभिषेक बोला, बहुत ही अच्छी। फिर अंजलि बोली, तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक बोला, जी बिल्कुल। फिर अंजलि बोली, तो फिर आ जाइए बालेश्वर अपने फैमिली के साथ। अब मानो अभिषेक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। कल अभिषेक और उसकी बहन दोनों की शादी है। कमेंट करके उन दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ विश कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।